तो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। आजम खान ने गोरखपुर सदर सांसद महंत योगी आदित्यनाथ को शादी कर मर्दानगी साबित करने को कहा है। साथ ही आजम खान ने उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को निशाना साधते हुए कहा कि बलात्कारी की बात ना करें। आपको बता दें कि पत्रकारों के सवाल पर योगी आदित्यनाथ के गढ़ में प्यार मोहब्बत से उनके तल्ख रिश्तों को खत्म करेंगे, इस पर आजम खान भड़क गए और मर्दानगी साबित करने की बात कही। पहले तो वो शादी करें, अपना मर्द होना साबित करें, और जब मर्द होना साबित करेंगे और किसी से शादी ब्याह करेंगे तो फिर मोहब्बत भी करेंगे। ये पहले तो बलात्कारी का सवाल मत करिए। एक ऐसा व्यक्ति जो शिष्या के बलात्कार में मुलजिम हो, उसका मेरे ख्याल से किसी सभ्य समाज में नाम नहीं लिया जाना चाहिए। हमारा कम से कम अपमान है ऐसे व्यक्ति के नाम से सवाल पूछा जाए। और विक्रांत सिंह जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। विक्रांत, बयान के बाद यानी आजम खान के बयान के बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में क्या क्या रुख देखने को मिल रहा है? काफी आक्रोश है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। सुबह ही अलीनगर के पार्षद जायसवाल 7 बजे उठ के उनका पुतला अलीनगर में जलाए और भारी भीड़ के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ शास्त्री चौक से हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता 1 बजे डीएम से मिले हैं और वहाँ तो उनके बैनर पे मोबिल भी फेंके हैं, जिसके कारण से पुलिस और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प हो गई है। उसके बाद पिपराइच में, अरे पीटीगंज में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता भारी भीड़ के साथ इनका पुतला दहन किए हैं और यहाँ रेती चौक पे शिवराज सेना हिंदू संगठन है उसके कार्यकर्ता इनका पुतला दहन किए हैं। मतलब अभी और बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कहीं रास्ता जाम होने वाला है, कहीं कुछ। विक्रांत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजम खान साहब गोरखपुर पहुंचे हुए थे, किस कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे थे और क्यों उन्होंने इस तरह का बयान दिया? जी, उलेमा काउंसिल इनकी पहले एक जमाते उलेमा काउंसिल नाम की एक संस्था थी, ये सपा से अलग हुए थे, तबकी संस्था थी। वहाँ के यहाँ प्रभारी थे जफर अमीन डक्कू साहब, उन्होंने एक जौहरे जश्न कराया था मुशायरा विद्यालय के उपलक्ष में, उसी मुशायरा में सम्मिलित होने ये आए थे और सर्किट हाउस ये पहुंचे काफी देर से प्रोग्राम। सपा इसमें सपा का कहीं अखिलेश यादव जी का और मुलायम सिंह का नाम फोटो पोस्टर नहीं लगा था, उससे सपा कार्यकर्ता भी इनसे नाराज थे, थोड़ा सा थोड़ी बहुत नारेबाजी भी हुई वहाँ सर्किट हाउस में। और एकाएक निकले और मीडिया से मुखातिब हुए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की विवादित बयान आएंगे, जैसे कि योगी आदित्यनाथ शादी कर लें और बच्चे पैदा करके नस्ल बढ़ाएं तब प्यार मोहब्बत की बात होगी इनसे, इस तरह के। फिर वो साक्षी महाराज से सीधे बोल दिए कि बलात्कारी के बारे में हमसे सवाल मत करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बयान के बाद से हंगामा देखने को मिल रहा है, गोरखपुर में कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है।